हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम आपको श्रीलंका की फेमस डिश बनाकर दिखाएंगे। आज हम आपको यूनिक चटनी भी बनाकर दिखाएंगे जो आज तक आपने कभी बनाया भी नहीं होगा। हमने 2 कप सूजी ले लिया, उसमें हम 4 कप वाटर ऐड करेंगे। आप इसे एक स्पून की मदद से भी मिला सकते हैं, हमने हाथ से मिलाया है। अगर आपको बैटर लगे गाढ़ा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपकी डिश जो एकदम परफेक्ट बनेगी और टेस्टी बनेगी। आपको इसे ढककर 30 मिनट के लिए रख देना है। ये हमारे कुछ वेजिटेबल्स हैं, कैप्सिकम, कैरेट, ऑनियन एंड ग्रीन चिली, जो हमने सूजी भिगोया था उसमें हम दही ऐड करेंगे। और हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम गाजर को ग्रेटर पर ग्रेट कर लेंगे कुछ इस तरह। तो हम ऑनियन को कट करके स्लाइसेस में चॉपर में डाल देंगे। और हम इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर लेंगे। और अब हम इसे चॉप कर लेंगे। अब हमारा ऑनियन और ग्रीन चिली चॉप हो चुका है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। कैप्सिकम को रफली कट करके चॉपर में डाल देंगे और उसे भी चॉप कर लेंगे। कैप्सिकम भी हो चुका है। ये हरी मटर है, इसे हम अपने बैटर में डाल देंगे। जो हमने ऑनियन और ग्रीन चिली को चॉप किया था उसे हम डाल देंगे। शिमला मिर्च को भी और कद्दूकस किया हुआ गाजर, इन सारी सामग्रियों को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। जब हमारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम अपने मेकर में 2-2 बूंद ऑयल डाल लेंगे सब में कुछ इस तरह से। अब हम बैटर को मिक्स कर लेंगे और एक एक कर कर बैटर को डाल लेंगे। गाइस, आपको पता है अप्पम को पल अप्पम भी कहा जाता है कुछ इस तरह से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है तो आप लाइक करेंगे। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि जो हम अपनी प्यारी प्यारी और टेस्टी टेस्टी वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। इसे हम ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, लगभग 2 मिनट। अब हम ऊपर से 1 बूंद ऑयल डाल देंगे।
ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। जो बच्चे हरी सब्जी नहीं भी खाते हैं ना, वो भी इसे खाएंगे। आप इसे सुबह या शाम कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अब हम नाइफ की मदद से इसे पलट लेंगे। चलिए दूसरी साइड पका लेते हैं। एक एक करके सभी को इसी तरह से पलट लेंगे। बच्चे हरी सब्जी भी खा लेंगे और उनका नाश्ता भी हो जाएगा। या बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। आज हम आपको एक नए तरीके की चटनी बनाकर दिखाएंगे, जो आज तक आपने कभी बनाया भी नहीं होगा और खाया भी नहीं होगा। हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा। अभी हम आपको चटनी बनाकर दिखाएंगे। हम इसकी चटनी बनाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए वो क्या चीज थी। एक मिनट के लिए हमने इसे फिर ढक दिया था। चलिए अब इसे खोल कर देखते हैं। चलिए देखिए, हमारे अप्पेस तो रेडी हैं। हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए, डिलीशियस लग रहे हैं ना, और कितने हेल्दी भी। ये नाश्ता बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए। अब हम फिर से इसमें एक एक बूंद ऑयल डालकर और इसमें बटर डाल देंगे। कुछ इस तरह से सभी होल्स में हमें अपना बटर डाल लेना है और इसे ढककर रख देंगे। चलिए जब तक ये पकेगा तब तक हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। और हाँ, जो इसके पहले हमने आपको दिखाया था उसका नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपका उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और क्या आपको पता है, श्रीलंका में ये डिश फेमस है, पर ये चावल के आटे से बनाई जाती है। तो अब हमें इस फ्रूट को अच्छी तरह से धुलना है। जिसकी डस्ट होगी, इसके ऊपर लगी होगी, उसे अच्छी तरह से हम धुल देंगे। तो इसका पानी हम निकाल देंगे। यह फ्रूट मार्च महीने में ही मिलता है। आपकी चटनी एक बार जरूर बनाइएगा। इस चटनी के आगे आप सारी चटनी भूल जाएंगे। तो हमने धनिया पत्ती, पुदीना, हरी मिर्च और अपना फ्रूट ले लिया है। और अब हम अपने सिलबट्टे पर पुदीना, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को डालकर पीस लेंगे। तो गाइस, अब इसमें नमक डाल लेंगे। जो हमारी सारी सामग्रियां हैं वो अच्छे से पिस जाएंगी नमक डालने से। आपने मिक्सी की चटनी तो बहुत ही खाई होगी, एक बार सिलबट्टे की चटनी खाकर देखो। हमें कुछ इस तरह से पीस लेना है अपने हरी मिर्च, पुदीना पत्ती और धनिया पत्ती को। और हाँ, आज ये डिश मैं नहीं बना रही हूँ, आज ये डिश मेरी मामी बना रही हैं। क्योंकि भाई मुझे तो नहीं आता सिलबट्टे पे ये सब पीसना, तो मेरी मामी बहुत ही टेस्टी चटनी बनाती है। और हम इसमें लहसुन की पत्ती ले लेंगे, इसे भी हमें पीस लेना है। और अब हमारी फ्रूट की बारी है जिसे हम पीसेंगे। तो मैं आपसे पहेली पूछूं? तो चलिए मैं पूछती हूँ, इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, बताओ मैं कौन हूँ। तो देखिए, हमारी पिंकी पाई चटनी रेडी होने वाली है। पिंक एंड ग्रीन चटनी। तो हमें कुछ इस तरह से इसे अच्छे से पीस लेना है। और ये जो चटनी बन रही है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तो देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। तो हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे। और ये सिलबट्टे की चटनी तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हमारी चटनी तो रेडी है।
तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए पिंकी पाई चटनी बनी है हमारी। तो हमने जो साइड में अप्पे रखा था उसे हम निकाल लेंगे और देखिए तो एकदम रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने ज्यादा डिलीशियस हो गया, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी खा जाऊं। ये बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, खास करके उनको जिनको वेजिटेबल्स नहीं पसंद है वो तो इसे खा ही जाएंगे पूरा। ये हमारी वो चटनी है जिसे हमने बनाया था, इसे हम सर्व कर लेंगे एक कटोरी में। आप इसे सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। तो हमने चटनी तो सर्व कर ली है और ये देखिए अप्पे और चटनी कितने ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये अप्पे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, चटनी भी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।